Very good morning, students. Welcome to the class. We are doing chapter number 4 in your geography book. That is air. ठीक है? Air के बारे में हम पढ़ रहे हैं. और अभी तक जो है हम air के काफी features और जो air की जो atmosphere का structure है, जिसमें आपकी अलग-अलग जो है layers होती हैं, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere और exosphere के बारे में study कर चुके हैं. ठीक है, आज जो है हम एयर प्रेशर और विंड के बारे में पढ़ेंगे. ओपन योर ज्योग्राफी बुक पेज नंबर 24. एयर प्रेशर. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो एयर है वो क्या करती है, हमारे ऊपर जो एयर है presses us with a great force on our bodies. हमारे को जो है हमारी body को बहुत ज़्यादा press करती है अपने force से. However, we don't feel even feel it. लेकिन हमें ये बिल्कुल भी feel नहीं होता, यानी कि हवा जो है हमारे ऊपर बहुत सारा pressure create करती है, लेकिन हमें वो जो है pressure feel नहीं होता. This is because the air presses us from all directions and our body exerts a काउंटर प्रेशर. क्योंकि ये जो हवा है, एयर है, वो हमें सभी डायरेक्शन से प्रेस करती है और जो हमारी बॉडी है एग्जर्ट्स अ काउंटर प्रेशर और हमारी बॉडी भी वापस से एक काउंटर प्रेशर यानी कि हवा को पीछे की ओर धकेलती है. इसलिए हमें जो ये एयर है उसके प्रेशर का पता नहीं चलता है. ठीक है, क्योंकि एयर हमें चारों तरफ से जो है प्रेशराइज करती है. बदले में हमारी जो बॉडी है वो एयर को काउंटर प्रेशर करती है. ठीक है, जिससे हमें इस प्रेशर के बारे में पता नहीं चलता है. ठीक है, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. एयर प्रेशर क्या होता है, देखो कि एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो एयर अपना प्रेशर जो अपना दबाव डालती है उसको हम क्या कहते हैं, अपने वजन से जो प्रेशर डालती है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं. एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली. जैसे जैसे हमने देखे थे ना, अलग अलग जो आपकी लेयर्स होती हैं, ये इन लेयर्स में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर का प्रेशर कम होता जाता है. ठीक है, द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद हाइट. सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ होता है, सी लेवल पे होता है, यानी कि समुद्र के लेवल पे सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो ये एयर प्रेशर है ये कम होता जाता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस. ये तो हो गया वर्टिकली, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, हॉरिजॉन्टली कैसे होता है ये, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एयर ऑफ एट अ गिवन प्लेस, यानी कि हॉरिजॉन्टली एयर प्रेशर कैसे वर्क करता है, वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस एरिया का जैसा टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये एयर प्रेशर जो है इन्फ्लुएंस्ड होगा. ठीक है, इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस. जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे ये एयर जो है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है. दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, जिससे क्या है एक लो प्रेशर एरिया बनता है, यानी कि जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेशर जो एयर जो है वो गर्म हो जाएगी और ऊपर की ओर उठने लगेगी, जिससे कि एक एयर प्रेशर एरिया बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा. लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर. लो प्रेशर होने से क्या होगा, बहुत सारे बादल बनेंगे और मौसम गीला रहेगा. इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कूल. जहाँ का टेम्परेचर कम होगा वहाँ की हवा जो है ठंडी रहेगी. इट इज देयरफॉर हैवी. इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी एयर होगी वो भारी होगी. क्यों भारी होगी, क्योंकि वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा यानी कि कोल्ड होगा बहुत ज़्यादा. हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया. जो भारी एयर है वो सिंक करती है. ठीक है, जिससे कि हैवी प्रेशर क्रिएट होता है, हैवी प्रेशर एरिया बनता है. हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई. हाई प्रेशर होने से क्या होता है, एक साफ और सनी स्काई यानी कि सूरज निकलता है ऐसा स्काई बनता है. ठीक है, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम
फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया. एयर किस तरीके डायरेक्शन में मूव करती है? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज में मूव करती है, यानी कि गर्म जगहों से ठंडी जगह की ओर मूव करती है, ठंडी जगह से जो है गर्म जगहों की ओर मूव करती है विंड. अब हम देखते हैं विंड क्या है. द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड. जब हवा जो है हाई प्रेशर एरिया से निकल के लो प्रेशर एरिया में जाती है उसको हम हवा की उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अप रूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. आपने देखा होगा कि जो ये विंड होती है ये क्या करती है, सूखे पत्तों को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और जब बहुत तेज तूफान आता है तो ये पेड़ों को भी उखाड़ देती है. ठीक है. समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट. जब ये हवा बहुत ही जेंटली बहुत ही आराम से चल रही होती है तो ये क्या करती है, धुएं को या धूल को जो है अपने साथ उड़ाती है. ठीक है. एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट. कभी कभी ये जो विंड होती है इतनी तेज चल रही होती है कि इसके विपरीत दिशा में जाना बहुत मुश्किल होता है. देखा होगा ना आपने कि जब बहुत जोर की हवा चलती है तो जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे. आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज हवा वाला कोई दिन होता है तो आपको अम्ब्रेला जो है पकड़ना कितना मुश्किल हो जाता है. थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू. आप कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जब तेज हवा चलने से आपको प्रॉब्लम्स हुई हों. विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स. अब हवा को हम तीन भागों में, विंड को जो है हम तीन भागों में बांट सकते हैं. सबसे पहली होती है आपकी परमानेंट विंड्स, द ट्रेड विंड. वेस्टर्न लाइज एंड ईस्टर्न लाइज आर द परमानेंट विंड्स. देखो जो ट्रेड विंड होती है, वेस्टर्न लाइज विंड होती है और ईस्टर्न लाइज विंड होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट विंड बोलते हैं. ठीक है. दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये जो हवा होती है ये पूरे साल एक ही डायरेक्शन में हमेशा मूव करती रहती है. ठीक है. कौन कौन सी? द ट्रेड विंड्स, द वेस्टर्न लाइज एंड द ईस्टर्न लाइज. ठीक है. तो ये क्या है, ये पूरे साल ही जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती है. दूसरी है आपकी सीजनल विंड्स, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन. ये हवा वो होती है, ये विंड वो होती है जो कि हर सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, जैसे कि इंडिया में जब मानसून आता है तो विंड की डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है. ठीक है. लोकल विंड्स क्या होती हैं? दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया. लोकल विंड वो होती है जो दिन के या साल के किसी एक छोटे से भाग में ही होती है. फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज. जो लैंड या सी की जो हवा होती है वो क्या है? सी ब्रीज तो समुद्र के ऊपर ही होगी, लैंड ब्रीज जो होगी वो लैंड के ऊपर ही होगी. डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? इट इज कॉल्ड लू. जो लू चलती है वो क्या है? वो सिर्फ गर्मियों में चलती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल विंड बोलेंगे. सर्दियों में तो नहीं चलेगी ना. ठीक है. अब हम देखते हैं साइक्लोन क्या होता है. नेचर्स फनी साइक्लोन देखते हैं हम क्या होता है. ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन दैट ऑरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल. जो ओडिशा स्टेट है हमारी क्या है, जो कि ईस्टर्न सी कोस्ट पे है. ठीक है. इंडिया के वो प्रोन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है साइक्लोन्स आते हैं. कहाँ से आते हैं? बे ऑफ बंगाल से आते हैं. ऑन 17 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट. क्या हुआ था 1999 में? उड़ीसा के 5 डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा जो है साइक्लोन हिट हुआ था. अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999 दैट डेवास्टेटेड लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टेट. एक और आया था बहुत बड़ा साइक्लोन जिसने स्टेट के बहुत बड़े पोर्शन को जो है नुकसान पहुँचाया था. द डैमेजेस कॉज वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स. तीन कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था. विंड, वेलोसिटी, रेन एंड
टाइडल सर्ज, यानी कि देखो समुद्र से जो उठने वाली लहरें हैं, ठीक है, समुद्र में क्या है, चक्रवात बनता है, चक्रवात बनने से बहुत ज़्यादा जो है तूफान आता है, तूफान जब तट को छोड़ के एरियाज में क्या है कि लैंड पर पहुँच जाता है, तो उससे क्या होता है, विंड की वेलोसिटी यानी कि हवा की जो हवा है उसके साथ बारिश हो रही है और टाइडल सर्ज होती है यानी कि जो समुद्र की लहरें हैं वो भी आ रही है, इन तीनों चीज़ों की वजह से जो है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे जो है नुकसान होता है। द विंड ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर, यानी कि इतनी तेज हवाएं कम से कम 36 घंटे तक लगातार चली थी। दीज हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज एंड डैमेज द कच्चा हाउसेस, यानी कि ये जो इतनी तेज हवा चल रही थी इसने क्या करा था, पेड़ों को भी उखाड़ दिया था और जो कच्चे घर थे उनको भी तोड़ दिया था। द रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स एंड अदर हाउसेज वर ऑल्सो ब्लोन अवे, जो वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज थी या कुछ घरों की जो छतें थी वो भी उड़ गई थी। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन स्नैप कम्प्लीटली, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली और टेलीकॉम दोनों ही सेवाएं इनको पूरी तरीके से ठप हो गई थी। हैवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 डेज कॉन्टिन्यूअसली, यानी कि साइक्लोन की वजह से पूरे 3 दिन तक लगातार क्या हुआ, बारिश हुई, बहुत हैवी रेन हुई। दीज रेन्स लेड टू द फ्लडिंग इन मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा, 3 दिन लगातार इतनी तेज बारिश आने से उड़ीसा के 3 रिवर्स में बाढ़ आ गई। द साइक्लोन विंड्स कॉज टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर, अब जो ये साइक्लोन विंड्स थी इससे क्या हुआ, टाइडल वेव्स आई यानी कि समुद्री चक्रवात आया यानी कि तूफान आया, जो समुद्र की जो वेव्स थी उनको स्वेप्ट 20 किलोमीटर इनलैंड एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू द कोस्टल एरिया, जो समुद्र के तटों का एरिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन समुद्र की लहरों ने नुकसान पहुँचाया। द 7 to 10 meter हाई टाइडल वेव्स, यानी कि 7 से 10 meter ऊंची उठने वाली इन टाइडल वेव्स ने इंट्रूडेड सडनली एंड कॉज मैसिव डैमेज टू द सैंडी पैडी क्रॉप्स, जो वहाँ पे जो फसल थी, जो उगी हुई फसल थी उसको, पैडी क्या होता है, जो आपका चावलों की जो खेती होती है, जो खेती थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाई क्योंकि इतनी ऊंची लहरें उठ के जो है फसलों के ऊपर गिरेगी तो फसलें भी बर्बाद हो रही होगी। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर द ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर ऑन अक्टूबर 25 1999। अब एक और जगह है गल्फ ऑफ थाईलैंड की पोर्ट ब्लेयर के पास, यहाँ पे अक्टूबर 1999 में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा जो है साइक्लोन आया जिसने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट किया यहाँ पे, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान करा एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये जो यहाँ पे जो साइक्लोन आया था वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कौन से डायरेक्शन क्या, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में चला गया। इट इंटेंसिफाइड इन टू द ए सुपर साइक्लोन एंड हिट द एरिया बिटवीन इरासमा एंड बालीकुदान इन ओडिशा ऑन 29 अक्टूबर एट 10:30 AM। अब जो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड से ये जो चक्रवात चला था ये जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ा तो इसने बहुत भयंकर रूप ले लिया और ये क्या बन गया, एक सुपर साइक्लोन बन गया और इसने उड़ीसा के इन दो डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाया। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ उड़ीसा इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स, ये सारी जो चीज़ें हैं पानी में बहुत ज़्यादा डूब गई। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड, 13 मिलियन लोगों को जो है नुकसान हुआ। अ लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक वर किल्ड, यानी कि बहुत सारे जानवर जो है मर गए। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हैवीली डैमेज, जितनी भी फसल थी सब्जियों की चावलों की या फिर फ्रूट्स की वो सब जो है डैमेज हो गई। ड्यू टू सलाइनेशन कॉज बाय द टाइडल सर्ज लार्ज ट्रैक्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव टर्न इनफर्टाइल, क्योंकि सैलिनेशन था, क्योंकि ये समुद्र से उठने वाली लहरें थी, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारी होता है, नमक वाला होता है। अब जब ये समुद्र का पानी जो है टाइडल वेव्स जब जमीन पे पहुंची तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो है सैलिनेशन हुआ, यानी कि जो मिट्टी है उसमें बहुत ज़्यादा नमक चला गया जिससे जो वहाँ की एग्रीकल्चर लैंड थी वो इनफर्टाइल हो गई, क्योंकि आपको पता है ना जो मिट्टी है उसमें नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें खेती करना पॉसिबल नहीं होगा। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ साल टीक एंड बैम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपीयर्ड, जो साल टीक या बैम्बू के जो पेड़ थे ये गायब हो गए। द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन प्रदीप एंड कोनार वैनिश्ड, जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव क्या होते हैं जो बहुत इकट्ठे से पेड़ लगे होते हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है यहाँ पे भी पाया जाता है उड़ीसा और जो आपका वेस्ट बंगाल
जंगल रीजन है वहाँ पे, तो ये सारे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये भी नष्ट हो गए थे. क्यों? क्योंकि इस सुपर साइक्लोन की वजह से. ठीक है, अब हम देखते हैं मॉइस्चर क्या होता है. वेन एवर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर. जब पानी जो है इवेपोरेट होता है यानी कि भाप बन के उड़ता है लैंड पे से या फिर अलग अलग वाटर बॉडीज के ऊपर से, तो वो क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है. ठीक है, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी. जब हमारी हवा में नमी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं. वेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे. जब पूरी जब किसी दिन हवा में जो है वाटर वेपर्स होंगे यानी कि पानी की जो कण होंगे, पानी के जो बुलबुले होंगे, पानी के वेपर्स होंगे वो होंगे हवा के साथ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक ह्यूमिड डे बोलेंगे. एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर्स इंक्रीज. जैसे जैसे हवा गर्म होती है पानी को जो है वाटर वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी हवा की जो है बढ़ती जाती है. एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, और उससे ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ह्यूमिड होती चली जाती है. ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल. जब भी कोई ह्यूमिड डे होता है उस दिन क्या है, जो आपके गीले कपड़े हैं वो सूखने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपकी बॉडी से जो निकलने वाला स्वेट है, पसीना है, वो जल्दी से सूखता नहीं है और आप बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं. ठीक है, वैन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग. जैसे जैसे ही वाटर वेपर ऊपर की ओर जाते हैं ये ठंडे होना शुरू हो जाते हैं. द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. अब ये घने हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं वाटर वेपर्स जैसे जैसे ऊपर जाते हैं और जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं यानी कि पानी की बूंदें बनाते हैं. क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स. अब जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं, इन वाटर ड्रॉपलेट्स से ही बने हुए बड़े बड़े टुकड़े होते हैं. वेन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर. जब ये वाटर ड्रॉपलेट यानी कि ये जो बादल होते हैं ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं कि ये हवा में उड़ नहीं पाती है, देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन, तो वो क्या करते हैं पानी को गिरा देते हैं जिससे कि फिर बारिश होती है. ठीक है, जस्ट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम. जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम. जो जेट प्लेन उड़ते हैं आपने देखा होगा उनके पीछे एक वाइट कलर की जो है अपने पीछे वो ट्रेल बनाते हुए चलते हैं. द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस. जो उनके इंजन से निकलने वाला मॉइस्चर होता है वो जो है कंडेंस हो जाता है. ठीक है, वी सी ट्रेस ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम एंड देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट. हम इस जो जेट प्लेन से निकलने वाली है जो धुएं जैसी एक वो होती है ट्रेल होती है उसको हम काफ़ी समय तक देख सकते हैं जब इसमें कोई डिस्टर्बेंस एयर डिस्टर्बेंस नहीं होगी. प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन. ठीक है, जो ये प्रेसिपिटेशन होती है यानी कि बादलों का जब पानी को वाटर वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट को नीचे गिरा देते हैं, उसी प्रेसिपिटेशन को हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं. मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर. धरती पे जितना भी पानी पाया जाता है वो ज़्यादातर क्या है, रेन वाटर यानी कि अंडरग्राउंड वाटर जितना भी है वो सारा क्या है, रेन वाटर से मिलता है. प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर. प्लांट्स भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पानी को संरक्षित रखने में. व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट रेन वाटर फ्लोज डाउन टू द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज. अगर जब पहाड़ों पर से पेड़ों को काट दिया जाएगा तो क्या होगा, पानी तेजी से बह के ढलानों वाले एरियाज में चला जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल. तीन तरह का जो है रेनफॉल होता है, द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिकल रेनफॉल. 4.5 गिवन में यहाँ आपको गिवन है. ये सबसे ऊपर है आपका साइक्लोनिकल रेनफॉल जहाँ पे कोल्ड एयर और वार्म एयर जो है मिलके बादल बनाती है और जब इनमें वाटर वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ये जो है प्रेसिपिटेशन करते हैं. नीचे है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल जिसको हम रिलीफ भी कहते हैं, जो कि मॉइस्ट एयर जो पहाड़ों पे से नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाती है और उसके होने से जो बारिश होती है. ठीक है, तीसरी है आपकी कन्वेंशनल रेनफॉल जब
जो है वार्म एयर ऊपर की ओर जाती है, कंडेंस होते हैं, बादल फॉर्म होते हैं, और जब ये इतने हैवी हो जाते हैं कि ये एयर से जो है फ्लोट नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन करते हैं, जिससे कि रेन यानी कि बारिश होती है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेनफॉल जो है पशु और पक्षियों के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सर्फेस, ये हमारे अर्थ की सर्फेस पे फ्रेश वाटर पहुँचाते हैं। इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्केर्सिटी एंड नॉट अकर, अगर बारिश कम होगी तो उससे क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी और सूखा पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज मोर फ्लड टेक्स प्लेस, लेकिन यही बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। यानी कि बारिश जो है ना तो बहुत कम रहनी चाहिए, कम होगी तो ड्रॉट होगा यानी कि सूखा पड़ जाएगा और पानी की कमी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आ जाएगी रेनफॉल, तो उससे क्या होगा, फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे यानी कि बाढ़ आने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये कंप्लीट होता है। ठीक है।